बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। मार्च 31, 2020, आज आपके साथ बात करेंगे इस किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैनेजर्स हैंडबुक, और इसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एज ए मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट कितना ज़रूरी है उसकी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आप क्या समझते हैं, एक ऐसा मैनेजर जिस पर उसकी टीम ट्रस्ट नहीं करती, उसकी कंपनी ट्रस्ट नहीं करती, उसके सीनियर्स ट्रस्ट नहीं करते, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा? ऑफ कोर्स, टीम अगर ये समझती है कि काम वो करते हैं और क्रेडिट मैनेजर लेता है, टीम अगर समझती है कि गलती मैनेजर की होती है और वो डंप कर देता है अपनी टीम पे, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, ऐसे में कैसे प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें कैसे आ सकती हैं आपकी टीम के अंदर। मैनेजर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लीडरशिप के ट्रेट्स एक ऑथर ने अपनी किताब में लिखा था। उसने कहा कि मुझे अच्छे लीडर के ट्रेट्स बताएं। तो सब ने बताया जी टाइम मैनेजमेंट, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिक होना चाहिए, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सारे ट्रेट्स बता दिए। तो उस ऑथर ने लिखा था कि अगर करैक्टर नहीं होगा तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, और अगर करैक्टर है तो सब चीज़ें वैल्यू ऐड करेंगी। एक लीडर के लिए, एक मैनेजर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी टीम उस पर ट्रस्ट करे, क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। हम ये देखते हैं इस चैप्टर में बाकायदा तौर पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करती टीम। देखें, अगर आप एक ही टीम में काम कर रहे हैं, 5 लोगों की टीम है, आप उनमें से किसी वजह से सीनियर है, और कंपनी ने आपको अनाउंस किया कि आज से या कल से आप मैनेजर के पोजीशन पे काम करेंगे और ये टीम आपकी टीम है, तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये बात आएगी कि हम भी डिज़र्व करते थे इस पोजीशन को, हम भी चाहते थे कि हम प्रमोट हो जाए, हम भी चाहते कि हमारी सैलरी बढ़े, हमारे पर्क्स बढ़े, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, हमारी अथॉरिटी बढ़े। ये शख्स जिसको प्रमोट किया गया है ड्यू टू एनी रीजंस, मे बी ये डिज़र्विंग है, नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन उसकी वजह से दिलों में रिफ्ट आ जाती है। तो इस चीज़ को मैनेजर का फ़र्ज बनता है कि वो इसको ना आने दे और उसको उस तरीके से हैंडल करे। जैसे ही आप चार्ट संभालते हैं तो आपकी टीम समझती है कि अब आप चेंज हो गए हैं, बिकॉज अब आप उन पे हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई गई है इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। हाउ टू मैनेज योर फॉर्मर पीयर्स। सबसे पहले जो आपके साथ कोलीग के तौर पर काम कर रहे थे, अब आपके असिस्टेंट बन गए हैं, आपके टीम मेंबर बन गए हैं, उनको कैसे मैनेज करना है आपने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेक पीपल अवेयर ऑफ द ट्रांजिशन। जब ये कंपनी ने आपसे डिस्कस किया तो आप भी अपनी टीम से डिस्कस करें कि मुझे अगर प्रमोट किया जा रहा है या मैं हो जाता हूँ तो आप इसके बाद मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, और टीम को ऑन बोर्ड लें फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है डोंट इंट्रोड्यूस एनी मेजर चेंजेस राइट अवे। स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके नेक्स्ट डे आप बोल दें आज से मैं मैनेजर हूँ, आप मेरी टीम है और मैं आपसे काम लूँगा, इसका रिएक्शन डिफरेंट आ सकता है। तो इसको बिट्स एंड पीसीज में पोलाइटली तरीके से आप कंपनी और आप दोनों मिल के अपनी टीम के साथ शेयर करें। मीट विथ योर टीम मेम्बर्स 1 by 1। कलेक्टिवली तो आप इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन 1 by 1 भी आपकी मीटिंग हो जाए, जिसमें आप अपनी टीम को कहें, इंडिविजुअली कहें कि ये कंपनी की तरफ से चेंजेस हैं जिसको मुझे करना है परफॉर्म, आपको भी करना है, हम एज ए टीम काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी चीज़ें हाईलाइट होंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप भी जब डिज़र्व करेंगे, जब रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको भी प्रमोट किया जाएगा। डिस्टेंस योर सेल्फ। हम आमतौर पर कोलीग्स के साथ बहुत कम्फर्ट जोन में होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जिम्मेदारी को अथॉरिटी के तौर पर जब डेलीगेट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो आपको जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो आपने अपने पीयर्स के साथ, अपने फॉर्मर कोलीग्स के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना है, ताकि बिकॉज सब काम के लिए है वहाँ पे, दोस्ती यारी के लिए नहीं है, तो इसलिए वो डिस्टेंस आपको हेल्प करेगा कि आप जो बात कहें उसको सीरियस लिया जाए, और आपकी पोजीशन और आपकी जो आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस है दोनों की रिस्पेक्ट हो। ये बेसिकली तो है जी फॉर्मर पीयर्स के साथ आप कैसे करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, इस किताब में भी वही बात लिखी है, इस्टेब्लिशिंग योर कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे इस्टेब्लिश करेंगे आप?
स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। आज आप टाइम पे आते हैं, कल नहीं आते, आप टाइम पे नहीं आ रहे, टीम को कह रहे हैं टाइम पे आओ रोज, तो प्रॉब्लम होगा, कन्फ्लिक्ट आएगा। अगर आप टाइम पे आएंगे और टीम को कहेंगे कि वो टाइम पे आए, तो आपको रोज़ टाइम पे आना पड़ेगा। पहले आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा ताकि फॉलो करे आपकी टीम। रेगुलेट योर इमोशंस, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, माइंड योर मैनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाना है। उसके बाद माइंड योर मैनर्स में आपने देखना है कि आप जो मैनर्स एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्या आप फॉलो कर रहे हैं? अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो टीम कैसे फॉलो करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर इंपॉर्टेंट, आस्क क्वेश्चंस, टीम को मौका दें बोलने का, वेंट आउट करने का, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी आइडियाज़ शेयर करने का, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें, टीम को साथ लेके चलें। इनवाइट फीडबैक, टीम से पूछें अपने बारे में कि आप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके काम करने का तरीका कार इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये वो फीडबैक होगा जो आपको हेल्प करेगा और आप अपनी टीम को भी फीडबैक दें। गिव अदर्स अ चांस टू शाइन, जब आप देखें कि टीम में कोई शख्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसकी इनक्रेजमेंट के लिए अगर आप उसको रिवॉर्ड सिस्टम आपने बनाया है या बना सकते हैं तो बना के उसको रिवॉर्ड करें। ये चीज़ आपको आपकी टीम को करीब लेके आएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेटिंग योर कॉम्पिटेंस, अपनी कॉम्पिटेंस। लेट सपोज आप टीम को कहते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन आपका अपना कैलेंडर ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी सारी मीटिंग्स आप खुद कैलेंडर में अगर नहीं सेव कर रहे तो टीम कैसे करेगी? तो इंपॉर्टेंट है कि आप, लेट सपोज बीइंग मैनेजर, आप सबसे पहले आउटलुक में कैलेंडर में जाके सारी मीटिंग स्केड्यूल करें और फिर टीम को बुला के बताएं कि इस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। अपनी कैपेबिलिटीज़ को, स्ट्रेंथ्स को टीम के सामने डेमोन्स्ट्रेट कीजिए ताकि आपकी टीम आपसे सीखे, देख के, सुन के नहीं, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ऑथेंटिक लीडरशिप, लीडरशिप के बहुत सारे टाइप्स हैं, आपको चाहिए कि सारी टाइप्स अगर नहीं तो एटलीस्ट आप एक दो या तीन टाइप्स की लीडरशिप्स को डिफरेंट टाइमिंग्स और सिचुएशन के अंदर आप इम्प्लीमेंट करें। रिसर्च योर आइडियाज़, एक्सप्लेन योर डिसीजंस एंड एक्शंस, एंड बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू डू एंड डोंट नो। अगर कंपनी की किसी बात पे आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया जिसका सलूशन आपके पास नहीं है, बी ऑनेस्ट विद योर टीम, टेल देम येस आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट, हाउ टू सॉल्व इट, आई नीड योर सपोर्ट, व्हाट डू यू से। एवरीबडी शुड कम अप विद एन आइडिया, विद अ सलूशन, ताकि आप कलेक्टिवली उसका एक सोल्यूशन निकालें, पूरी टीम उसके ऊपर एग्री करे, देन यू कैन मूव ऑन टू फाइंड द सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन एंड टू इम्प्लीमेंट इट। फिर इम्पॉर्टेंट है इस बुक में जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर और लीडर के लिए है कि आप अपनी इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन को, सेल्फ अवेयरनेस, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि आप रोज़ ऑफिस आएँ और ये काम करें उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से आप अपनी टीम को चाहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉस्टर सेल्फ अवेयरनेस, एग्जैक्टली, आप अपने आप से, अपनी स्किल से, अपनी वीकनेस सॉर्ट, अपना सॉर्ट कर लें, उसके बाद आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से मैनेज कर, हो सकता है आप में कमी हो, एज ए मैनेजर आपको टाइम लगेगा अच्छा मैनेजर बनने में, सारी स्किल सेट सीखने में, सारी मैनेजमेंट के टिप्स को अब यूटिलाइज करने में टाइम लग, उस टाइम के दरमियान गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से सीख के आपने इम्प्रूव, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। एक हम टर्म यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे क्या चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बेशक आप उसका लॉग बना लें, नोट करते जाएं, और फिर 6 महीने बाद 3 महीने बाद आप देखें कि क्या इंप्रूव किया है, वही आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है जो आपने अपनी टीम की ट्रेनिंग करनी है। डेवलपिंग योर सेल्फ एज एन ऑथेंटिक लीडर, इसमें आपने इस पर काम करना है। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आमतौर पर लोकल इंडस्ट्री के अंदर देखें तो ये चीज़ हम लैक करते हैं, जिसकी वजह से कोई शख्स अपने बॉस के साथ काम करना नहीं चाहता, उसकी बात नहीं मानना चाहता और उसको एज ए बॉस एक्सेप्ट नहीं करते। आपको पता है ज़्यादातर लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते कि उनकी कंपनी बुरी है, वो इसलिए छोड़ते हैं कि वो समझते हैं कि उनका बॉस ठीक नहीं है। पीपल लीव कंपनीज एंड जॉब्स ओनली बिकॉज ऑफ द बैड बॉसेस। और बॉस अच्छा हो, कंपनी अगर अच्छी ना भी हो, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, मे बी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो कंपनी के अंदर, कम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बॉस अच्छा हो जो अपनी टीम को सिखाए, डेवलप करे, उनको ग्रो करने में हेल्प करे, उनकी परफॉर्मेंस को आगे शो करे, उनको इनक्रेज करे, वो लोग कभी भी छोड़ के नहीं जाते। तो आप चाहते हैं कि आप ऐसे बॉस बने कि आपके साथ काम करके और आपके साथ काम ना करते हुए भी जो आपके
जिन्होंने भी कभी लाइफ में आपके साथ काम किया, वो आपकी तारीफ़ करें, आपको आइडियलाइज़ करें, तो सबसे पहले एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, हमें ये सारी स्किल्स अपने अंदर एब्जॉर्व करनी है। एक अच्छा मैनेजर बनना है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिक जो हमने डिस्कशन की उसको हम रीकैप कर लेते हैं। वन ऑफ योर फर्स्ट टास्क एज अ मैनेजर एंड लीडर इज टू गेन द ट्रस्ट ऑफ योर टीम। इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट गेन करें अपनी टीम का, अपने सीनियर्स का, जूनियर्स का, सबका। यू गेन ट्रस्ट बाई कंसिस्टेंटली डेमॉन्स्ट्रेटिंग कैरेक्टर एंड कम्पिटेंस। अपना कैरेक्टर और अपनी कम्पिटेंस की बुनियाद पर ट्रस्ट गेन करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये ट्रस्ट के बाद हम कल दोबारा आपके साथ बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या है एक अच्छा मैनेजर या लीडर बनने में। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस का टाइम है, घर पे रहें एज मच एज़ यू कैन, और सी यू टुमारो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।